हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी और मसालेदार चटनी बनाने की रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो ये पूरे साल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 केजी कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। आप इनको अच्छे से सुखा लें, चाहे धूप में रखकर या फिर किसी टॉवल से। अब हम एक पीलर लेंगे और इनको अच्छे से छील लेंगे। हमें ध्यान रखना है आम बिल्कुल सूखे हुए ही होने चाहिए। और चटनी बनाने के लिए आम आप कोई भी आम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाले आम लिए हैं, ये ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। तो हम इनको अच्छे से छील लेंगे और इसका ऊपर का भी जो ये डंठल होती है इसको भी निकाल देंगे। हम सारे आम ऐसे ही छील लेंगे। देखिए, हमने सभी आम छील लिए हैं। अब हम ऐसा एक ग्रेटर लेंगे और इससे सभी आमों को अच्छे से ग्रेट करेंगे। हमें ज़्यादा मोटा ग्रेटर नहीं लेना है, हमें मीडियम साइज़ का ही जो ये कद्दूकस होता है इसको लेना है और इनको सब अच्छे से कद्दूकस करेंगे। देखिए, इन आम में जो है बीच में गुठली पड़ी हुई है, तो हमें चटनी बनाने के लिए ऐसे आम ही यूज़ करने हैं और इनको अच्छे से ग्रेट कर देना है। देखिए, इसका जो ये लच्छा है ये ज़्यादा मोटा भी नहीं आ रहा है और ना ही ज़्यादा बारीक आ रहा है। हमें सेम इसी तरह से इतना मोटा लच्छा ही इसका बनाना है। देखिए, हमने सारे आम को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और जो ये हमारे इधर छिलक और गुठली निकली है इनको हमने अलग कर लिया है। तो देखिए, लगभग ये हमारा जो छिलक और इसकी आम की गुठली निकली है ये लगभग आधा किलो के आसपास निकल गई होगी। तो हमारा जो ये मैंगो पल्प है ये लगभग 1 किलो है। तो अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक डालकर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे क्या होगा, ये मैंगो पल्प जो है ये अच्छे से नरम पड़ जाएगा। आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच हम इसमें कलौंजी डालेंगे। इसको हमें आधा या फिर थोड़ा चौथाई चम्मच ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसमें आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और इनको सबको मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको भून लेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें अपने ये मसाले डालकर इसको लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना तो इनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ये थोड़े जल जाएंगे। इसलिए हम इनको सिर्फ हल्का सा ही भूनेंगे और इसका एक ग्राइंडर में डालकर इनका थोड़ा दरदरा पाउडर बना लेंगे। देखिए, मैंने मसाले को पीस लिया है और देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीसा है, इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है। चटनी में ऐसा मसाला ही अच्छा लगता है। तो देखिए, आधा घंटा हो चुका है और देखिए हमारे मैंगो पल्प ने थोड़ा ये पानी सा छोड़ दिया है, तो इस ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है पहले से। देखिए, ये काफ़ी पहले से सॉफ्ट सी लग रही है। तो चलिए अब हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक या फिर स्टील की कढ़ाई लेंगे, हमें लोहे की या और किसी मेटल की कढ़ाई नहीं लेनी है। अब हम इस सारे मैंगो पल्प को इसमें डाल देंगे। इसमें जो थोड़ा रसा सा हो गया था हम इसको भी इसमें ही डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब हमारा जो ये मैंगो पल्प है ये लगभग 1 किलो के आसपास है, तो हम इसमें इसके बराबर ही चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो ही चीनी ली है और इसको इसमें ही डालेंगे। हमें अभी इसको फ्लेम पर नहीं रखना है, नीचे डाल कर रख कर ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। आम की चटनी बनाने में आम के पल्प जितनी ही चीनी डालनी चाहिए, जितना हमारा आम का पल्प होता है उतनी ही चीनी डालनी चाहिए। देखिए, मैंने इसको 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारी चीनी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको
गैस की फ्लेम के ऊपर रखेंगे और चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया है। हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही चलाएंगे। हमें इसे कंटिन्यू चलाना है जिससे नीचे ना लगे और इसकी फ्लेम लो ही रखनी है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद देखिए ये कितनी ज़्यादा पतली हो गई है, जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और इसको कंटिन्यू ऐसे ही पकाना है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। काले नमक से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हल्दी डालने से इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है और ये थोड़ा थोड़ा पकना भी स्टार्ट हो गया है। अभी इसको 15-20 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। देखिए 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अपना हमने जो ये मसाला पहले ही बनाया था इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए 15-20 मिनट बाद इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये जो मैंगो पल्प था ये भी अच्छे से पक चुका है। ये मसाले डालने के बाद हम इसको 5 मिनट और लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे। देखिए लगभग 5 मिनट और हो चुके हैं और हमारी चटनी पहले से काफ़ी गाढ़ी लग रही है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा चटनी रखेंगे और इसको फिंगर से चेक करेंगे। देखिए अगर इसमें एक तार आ रहा है तो हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। देखिए इसमें एक तार आना स्टार्ट हो गया है तो हमारी चटनी बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अगर आप मेरी इसी रेसिपी से चटनी बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, पूरे साल तक बिल्कुल सही बनी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है और देखिए ये बनने के बाद इसका कलर कितना सुंदर आया है और ये देखिए पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।